फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर एक नया विवाद शुरू हो गया है। IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के जूरी हेड नादम लैपिट के बयान पर अब अनुपम खेर ने ट्वीट किया है। अनुपम खेर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सत्य के मुकाबले हमेशा छोटा ही होता है। अनुपम खेर का ये ट्वीट IFFI के जूरी हेड नादम लैपिट के उस बयान को लेकर है जिसमें लैपिट ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को अभद्र और प्रोपोगंडा वाली फिल्म कहा था। तो जिस तरीके से IFFI के मंच पर नादम लैपिट ने द कश्मीर फाइल्स को एक अभद्र फिल्म बताया, एक ऐसी फिल्म बताया जो एक प्रोपोगंडा को पुश करती है, उसे लेकर अब अनुपम खेर ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। और आपको बताते हैं कि अनुपम खेर ने क्या ट्वीट किया है, और साथ ही इसराइल के राजदूत का भी अब इस पूरे मामले पर बयान आया है। इसराइल के राजदूत, अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दूत ने कहा है कि भारत और इसराइल के लोगों और राज्यों के बीच दोस्ती बहुत मजबूत है। आपने जो इसे नुकसान पहुंचाया है, हमारी दोस्ती उसे झेल लेगी। एक इंसान के रूप में मुझे शर्म आती है। हम अपने मेजबानों से माफी मांगते हैं कि हमने उनकी उदारता और दोस्ती के बदले उन्हें क्या दिया। ये इसराइल के जो राजदूत है उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो आपको दिखाया हमने किस तरीके से, और अनुपम खेर ने क्या ट्वीट किया है वो भी देखिए। उन्होंने लिखा, झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सत्य के मुकाबले में हमेशा छोटा ही होता है। तो इसराइल के राजदूत ने नादम लैपिट के बयान से किनारा किया है, और अनुपम खेर ने भी अब अपने ट्वीट के जरिए, और उन्होंने ये बोला भी है कि जिस तरीके से अगर होलोकॉस्ट को सही माना जाता है तो कश्मीरी एक्सोडस को भी सही माना जाना चाहिए। तो द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर ये नया विवाद, कश्मीर फाइल्स को लेकर IFFI के जूरी हेड के बयान पर अब एक के बाद एक प्रतिक्रिया आ रही है। लैपिट के बयान पर अनुपम खेर ने ट्वीट किया और कहा कि झूठ का कद कभी भी सत्य के मुकाबले ऊंचा नहीं हो सकता, झूठ हमेशा छोटा ही रहेगा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सत्य के मुकाबले हमेशा छोटा ही होता है। अगर होलोकॉस्ट सही है तो कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस भी सही है। ये एक प्री प्लान मुझे लगता है, मैं जितना ज्यादा जानता नहीं, ऐसा प्री प्लान लगता है कि प्लानिंग किया गया है, बिकॉज उसके बाद इमीडिएटली टूल किट गैंग जो है वो सक्रिय हो गया। और मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप लोग यहाँ होंगे, बिकॉज मैं, बट इट्स शेमफुल फॉर हिम टू मेक ए स्टेटमेंट लाइक दिस। और स्टेटमेंट बहुत गलत दिया है, लेकिन बट कम फ्रॉम अ कम्युनिटी हु हैव सफर्ड होलोकॉस्ट, जूज हैव सफर्ड होलोकॉस्ट, एंड ही कम्स फ्रॉम दैट कम्युनिटी, एंड फॉर हिम टू सॉर्ट ऑफ मेक ए स्टेटमेंट लाइक दिस, जो इस त्रासदी के शिकार हुए आज से बहुत साल पहले, तो मैं यही कहूँगा कि ये हमारे गणपति जी सिद्धि विनायक के भगवान उनको अकल दे और सद्बुद्धि दे, ताकि वो इस तरह लोगों के, हजारों लाखों लोगों की जो ट्रेजेडी है उसको मंच पर से इस्तेमाल करके अपना एक ध्येय पूरा ना करें। तो द कश्मीर फाइल्स पर इजरायली फिल्म मेकर के बयान पर भारत में इजरायल के राजदूत ने माफी मांगी है। भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने इस विवाद पर ट्विटर के जरिए एक ओपन लेटर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि IFFI जूरी लैपिट के बयान पर वो माफी मांगते हैं। उन्होंने लिखा कि भारत इजरायल की दोस्ती बहुत मजबूत है, एक इंसान के तौर पर मुझे इस बात पर शर्म आती है। वो आगे लिखते हैं कि वो माफी मांगना चाहते हैं कि हमने भारत की उदारता और दोस्ती का ऐसा बदला दिया। तो ये देखिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट यहां पर इसराइल के राजदूत का, एक बयान जो कि ट्विटर पर उन्होंने लिखा है, माफी मांगते हुए ये बयान लिखा है, और जो पूरा मामला है उस पर माफी मांगी है। तो फिल्म मेकर के बयान पर भारत में इसराइल के राजदूत ने माफी मांग ली है। ये वो माफीनामा है, आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर माफी मांगी है भारत में इसराइल के राजदूत ने।
और अब आपको सुनाते हैं कि इजराइल के फिल्म मेकर नादव लैपिड ने दरअसल IFFI के मंच पर कहा क्या था। All of us disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage. और मुंबई से जी मीडिया संवाददाता येशा कोटक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। येशा, हमने देखा जिस तरीके से इजरायली फिल्म मेकर नादव लैपिड ने IFFI के मंच पर बयान दिया, उसे लेकर अब एक के बाद एक रिएक्शंस आ रहे हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अनुपम खेर का आया है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अनुपम खेर जो इस मूवी के साथ पहले से जुड़े हुए थे, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया और उनका कहना भी सही है कि जहां होलोकास्ट की बात की जाती है, जिस देश में होलोकास्ट की बात की जाती है और ये कहा जाता है कि होलोकास्ट जो है एक बहुत डार्क फेस था, उसी में अगर भारत का जहाँ कश्मीरी पंडित को जो है प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट करे तो वो सही नहीं है। और ये स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जहाँ हम देख रहे थे कि भारत में, क्योंकि कश्मीर फाइल्स को लेकर इससे पहले भी विवाद था, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि क्योंकि कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडित के बारे में उनकी जो उनकी जो प्रॉब्लम्स हुई थी कश्मीर में उसको दर्शाता है, इसीलिए जो है भारत में उसे कई राज्यों में टैक्स फ्री भी करा गया था। और इसी के लिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ये एक जागृति वाला प्लेटफॉर्म था, कश्मीर फाइल्स एक ऐसी मूवी थी जो लोगों को कश्मीर में दरअसल क्या हुआ था उसके बारे में दिखा रही थी, तो उसमें एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आया हो जहां इंटरनेशनल जूरी प्रेजेंट हो, उस पर ऐसा एक विवाद करना काफ़ी क्वेश्चनेबल हो जाता है। और इसी में हम देख रहे हैं कि ऐसे कई जो लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उस पे सवाल भी उठा रहे हैं कि ऐसा स्टेटमेंट क्यों कहा जा रहा था। जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम IFFI की बात करें तो IFFI का प्लेटफॉर्म एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है फिल्मों को दिखाने का, आर्ट की बात करने का, आर्ट के जरिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का। ऐसे में नादव लैपिड का इस प्लेटफॉर्म को इस तरह से इस्तेमाल करना और एक तरह से भारत की बात करना, कश्मीर की बात करना, उनके पूरी भूमिका को भी सवालों के घेरे में खड़ा करता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसे भी क्वेश्चन रेज करता है कि IFFI जैसे जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो मूवीज दर्शाई जाती है, वहाँ पे ऐसा सवाल करना, वो ये भी क्वेश्चन करता है कि क्या भारत की जो हिस्ट्री है, भारत में जो सफरिंग्स हुई है उसके बारे में क्या इन्हें कोई जानकारी है। क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मूवी इसलिए पेश की जाती है जहाँ पे जो पर्टिकुलर देश के जो प्रॉब्लम्स हो उसको, उसके बारे में एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके, लेकिन इसमें ऐसा एक स्टेटमेंट करना जरूर क्वेश्चनेबल होता है। उसके अलावा ये भी बात जरूर है कि क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि नादव का जो स्टेटमेंट है वो इसराइल काउंसिलेट को भी समझ में आ गया कि गलत है, इसलिए उन्होंने एक अपॉलोजी भी इशू की है। और इसीलिए जो अब ये बात समझ सकते हैं हम कि इस पे जरूर बॉलीवुड में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने। येशा, आपको यहाँ रोकूंगी, हमारे साथ इस वक्त ललित अंबरदार भी जुड़ गए हैं, कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट है और इस पूरे मामले पर अपनी राय वो रखना चाहते हैं। एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की तरह IFFI को देखा जाता है, उस प्लेटफॉर्म पर ललित एक इजराइल से फिल्म मेकर आते हैं, जूरी का हिस्सा होते हैं और वो द कश्मीर फाइल्स को अभद्र बताते हैं, क्या कहना है आपका, पहला रिएक्शन क्या है इस पर? देखिए, पहला रिएक्शन तो इस ट्रेजिक, इस एब्सर्ड, इस स्टूपिड, क्योंकि जब आप बात करें इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं, बहुत प्रेस्टिजियस इवेंट है, दुनिया भर की फिल्में यहाँ दिखाई जाती हैं और हर फिल्म फेस्टिवल के ऊपर, फिल्म फेस्टिवल होता क्या, आप अपने विचारों को, अपने आइडियाज को फिल्मों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं और फिल्म फेस्टिवल में उसकी समीक्षा होती है। तो अगर आप उस फिल्म के एक फिल्मकार होते हुए फिल्म की समीक्षा करते हैं, अगर आप कहते हैं कि फिल्म की डायरेक्शन गलत है, फिल्म की एडिटिंग गलत है, फिल्म के एक्टर्स ने परफॉर्म ठीक नहीं किया, वो तो मैं समझ सकता हूँ। फिल्म के आइडिया, फिल्म के कंटेंट, जो उसका सब्जेक्ट है, उसके ऊपर आप टिप्पणी करते हो तो जाहिर है आप अपनी पोलिटिकल आइडियोलॉजी उस पर थोप रहे हो, आप अपने पोलिटिकल स्टैंड उस पर थोप रहे हो। अगर आप खासकर जो शब्द उन्होंने यूज किया हुआ है कि प्रोपेगेंडा फिल्म है, इसका मतलब है कि आप इसको झूठा मानते हो, झूठा कंटेंट को मानते हो कि आप कहते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि डिनायल, जो जिनोसाइड का जो डिनायल है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है,
यहूदियों को जिनोसाइड में इनिशियली नहीं रिकॉग्नाइज किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया भर में सबसे लंबा चलने वाला नरसंहार जिनोसाइड है। 1000 साल शुरू हुआ है पहले गजवा हिंद की लड़ाई के साथ, जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, आज तक उसको मान्यता नहीं मिली। और वो नरसंहार भी रुका नहीं है, 1920 के दशक में वहां पे मलप्पा, वहां पे कर्नाटका में के दक्षिण में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, अभी तक उसकी मान्यता नहीं है। 1940 में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन के द्वारा बंगाल के अंदर हिंदुओं का नरसंहार करवाया, दिनों तक हिंदुओं की लाशों को गिद खाते रहे कलकत्ता की सड़कों के ऊपर, बंगाल की सड़कों के ऊपर, उसको मान्यता नहीं मिली। कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, अभी तक भारत सरकार ने उसको औपचारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। तो मैं इसलिए हैरान नहीं हूं कि यह पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे दुख इस बात का है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हमने हिंदुओं के नरसंहार को मान्यता दी? बिल्कुल इसी तर्ज पर, इसी लाइन पर अनुपम खेर ने भी अपना रिएक्शन दिया। अनुपम खेर ने इसे एक सुनियोजित साजिश बताया। उन्होंने कहा कि बहुत मुमकिन है कि ये एक सुनियोजित साजिश के तहत दिया गया बयान हो, एक ग्लोबल टूलकिट इसे लेकर एकदम से एक्टिव हो गई है, ये अनुपम खेर कह रहे हैं। जी जी, मैं मानता हूं, जैसे ये इत्तेफाक भी नहीं है कि अनुपम खेर जी ने कल या परसों इसकी फिल्म के ऊपर स्टेटमेंट दिया था, लेकिन ये दुनिया भर में ये माना जाता है लेफ्ट लिबरल्स और इस्लामिक्स का एक कॉकटेल है, बहुत ही जहरीला कॉकटेल है। जहां पे भी देखो ये आप, ये आदमी जो है जिसने ये स्टेटमेंट दिया है, ये अपने मुल्क के बारे में भी ऐसा सोचता है, ये भी सोचा कि उसकी अपने जो बिन है, जो इसराइल का जो व्यू पॉइंट है, पोलिटिकल व्यू है, उसके अगेंस्ट है ये। तो ये मैं आई एम नॉट सरप्राइज। और बाय द वे आपको जो इसराइल के एम्बेसडर है, इसराइल के जो एम्बेसडर है भारत के अंदर, उन्होंने तो माफी मांगी है, राष्ट्र के नाम से माफी मांगी है। तो मैं उससे विचलित नहीं हूं उस प्रकार से, मैं विचलित इस प्रकार से हूं क्योंकि इस आदमी ने, इसका काम फिल्म की कला की समीक्षा करना, ना कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पहली बार हुआ शायद भारत के अंदर, हमारे यहां तो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियाज फिल्म फेस्टिवल में दिखाए जाते हैं, लेकिन मुझे दुर्भाग्य ये हो रहा है कि हमारी सरकार ने क्या किया, हमारी व्यवस्था ने क्या की? क्या आपने एक भी कश्मीरी हिंदू के नरसंहार करने वाले रेपिस्ट मर्डर मास मर्डर को अभी तक सजा दी है? नहीं दी है। आज भी कश्मीरी हिंदू का नरसंहार चल रहा है। पिछले 6 महीने से कश्मीरी हिंदू औरतें और मर्द, लड़के लड़कियां जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमें राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी चाहिए। और वहां की व्यवस्था क्या कहती है? उन पर लाठीचार्ज करती है। जी बिल्कुल। कश्मीर के अंदर 32 साल के बाद राहुल भट्ट का कत्ल हुआ था, 32 साल के बाद कश्मीर की सड़कों पर रंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगे, तो हमारी व्यवस्था ने क्या किया? उनके पर आंसू गैस फेंका, उन पर लाठीचार्ज किया, अभी तक मान्यता नहीं दे रहे हैं। राहुल भट्ट का कत्ल होता है सड़क स्कूल के अंदर, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं IFFI के मंच के गलत इस्तेमाल की, इसलिए वजह यहां पर यह हो जाती है कि हम बात करें उस स्टेटमेंट की जो ये फिल्म मेकर ने दिया है। और नादिम लपेट के बारे में जैसा कि आप भी बता रहे थे कि अपने देश के साथ भी उनका रिलेशनशिप, अपनी मातृभूमि के साथ भी उनका रिलेशनशिप विवादों में ही रहा है, यही वजह है कि अब अगर वो कश्मीर फाइल्स को लेकर कोई बात कहते हैं, कोई बयान देते हैं, तो वो फिल्म से, आर्ट से जुड़ा बयान नहीं लगता है, वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड बयान लगता है। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए हमने ये फिल्म बनी, ऐतिहासिक फिल्म बनी। मैंने बार अनुपम जी को और उनके डायरेक्टर अग्निहोत्री जी को बताया कि आपने जो हम 32 साल से कर रहे हैं, सड़कों पे है, सेमिनार हॉल्स को ब्रेक करके अंदर जाते हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि एक जिनोसाइड को डिनाइल करना एक ऐतिहासिक फैक्ट है, हिस्ट्री है ये। इसलिए हमने जो 32 साल से कश्मीर जिहाद के बारे में बोलते रहे, नरसंहार के बारे में बोलते रहे, तब कहीं बात हुई तो मैंने अग्निहोत्री को धन्यवाद किया, आपकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल ललित, और यही वजह है कि कश्मीरी पंडित और तमाम लोग द कश्मीर फाइल से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।